भरी। समझने की कोशिश कर बेटा, देख जितनी तकलीफ तुझे हुई है उतनी तकलीफ नरेन को भी हो रही है। कोई जानबूझ के अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी ना करता। ये वक्त तो तुम दोनों को साथ खड़े रहना चाहिए। इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, ना कि ये सारी चीजें। वही तो मैं नहीं कर पा रही आजी, मेरे अंदर का खालीपन मुझे खाए जा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी जान निकाल ली है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। भरी, डॉक्टर भगवान है नहीं ना? इस दुनिया में सबसे बड़ा ऊपर वाला है, और मुझे अपने पापा पे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो परी की गोद जरूर भरेगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है आजी? बचपन से लेकर आज तक हर चीज में स्ट्रगल, इतना दुख। पैदा होते ही मैं अपने बाबा से अलग हो गई, कभी उनका प्यार नहीं मिला। हमेशा अपनी आई का बस अकेलापन और दर्द देखा और कुछ भी नहीं। जिंदगी में नरेन आया तो लगा कि अब शायद थोड़ी खुशी मिलेगी, अब लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं। एक होने से पहले हम बिछड़ गए। पूरे 1.5 साल बाद मिले, वो भी किन हालातों। पूरी दुनिया से लड़कर हम दोनों ने शादी की। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी, वो भी मुझसे छीन ली। मेरी तरफ देख, आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ। तुझे पता है जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तुम्हारे घर के हालात इतने बुरे थे कि मानव मेरे लिए दवाई भी नहीं ला पाते थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो परी, मेरा भी मिसकैरेज हुआ। मेरा पहला बच्चा, हमारे प्यार की निशानी हमने भी खोई थी। लेकिन आज देख, तुम सब हमारी जिंदगी में। इसे अपने आप को कोसने से, नरेन को कोसने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसे चाहे प्यार से रहे, खुशियों से रहे, तुझे मेरी कसम है, अपनी उम्मीद मत छोड़। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, सबसे बड़ा भगवान होता है परी। तुझे अपनी आजी पे विश्वास है ना? मुझे पता है कि एक दिन परी की गोद भरेगी और उसकी जिंदगी में भी एक छोटा सा बेबी होगा। आजी और पोते की बातें हो गई। देखो भाई, अब बातें हो गई हो तो अब हमें चलना चाहिए। अर्चना, एक जरूरी काम, चलते हैं। बेटा, आजी ने जो कुछ भी कहा है ध्यान में रखना। चलो अर्चना। आजोबा, मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुझे आराम करने की जरूरत है, थोड़ा आराम कर फिर सोचें। नहीं आजोबा, अगर मैं घर पे बैठी रही तो इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मुझे ऑफिस आने दीजिए। अच्छा बेटे, एक दो दिन तो आराम कर ले, फिर आ जाना ऑफिस। चल, ध्यान रखना अपना। चलो। हेलो। अरे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, मामा बन गया। अच्छा, हमारी तरफ से मानसी को ढेर सारा प्यार देना और बच्ची को भी। मानव, अर्चना, मानसी को बेटी हुई। समझ बता रहे, तुमने खाना नहीं खाया। चलो मैं खिला देता हूँ। हाँ, मुझे भूख नहीं है और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आना,
सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मैं जानता हूं कि तुम जिस हालत में उसकी वजह मैं हूं, लेकिन बिलीव मी ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मुझे भी उतना ही दुख है, लेकिन प्लीज अपने लिए मेरे लिए नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज। और हाँ, ये दवाइयां फेंक दो, इनकी कोई जरूरत नहीं। और क्या करते थे नरेन अंकल? नरेन अंकल को ना उन्हें कैक्टस बहुत पसंद, वो कैक्टस को अपने पास रखते थे हमेशा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था वो कैक्टस मैंने उन्हें दिया, कभी नहीं छोड़ते थे उसे, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखते थे, कहीं दूर नहीं जाने देते। वैष्णो बेटिया, तुम अब तक सोई नहीं, कल स्कूल भी तो जाना है ना, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। छोटी माँ मुझे नरेन अंकल के बारे में बता रही है। बेटा ये सब बातें कल भी तो हो सकती है, आप मुझे मम्मी के बारे में बताओ ना। क्या सुनना चाहते हो तुम तुम्हारी मम्मी के बारे में? सब कुछ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर वादा करो तुम उसके बाद सो जाओगी, ठीक है? तुम्हारी मां बहुत सुंदर थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत जिद्दी भी थी, रोज शाम को तैयार होकर हमारा इंतजार करती थी, जैसे ही मैं आता शुरू हो जाते। आज क्या लाए हो मेरे लिए? चूड़ियां लाए हो, पकौड़े लाए हो, हर रोज उसके पास कोई ना कोई मुद्दा होता था मुझसे झगड़ा करने के लिए, लेकिन जितना झगड़ा करती थी उससे कहीं ज्यादा प्यार करती थी, सांसें कम चलती थी उसकी और हमारा नाम ज्यादा लेती थी। रणविजय, एक बात कहूं?
कभी आपके आपके मुंह से आपकी पत्नी के बारे में नहीं सुना था। बात करके फायदा भी का है। अच्छा लगता है जब हम किसी से प्यार करें और उनकी बातें करें, नहीं? वैसे तो हमने भी कभी आपको आपके पति के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। गुजरा हुआ वक्त जो होता है वो सिर्फ दर्द देता है। बीते लम्हों को याद कर कर सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। जिसे जाना था वो चला गया, अब उसका एहसास आज भी दर्द दे जाता है। कभी कभी मौत ही नहीं, हालात भी इंसान को दूर कर देते। ना दूर एक होना मुश्किल हो जाता। मैं सिर्फ यादों के सहारे तो नरेन, मेरा परिवार, सोनू, प्रणव, प्रशांत, मनु, मेरी बहन रणविजय, वो माँ बनने वाली थी, तो उसे बच्चा हो क्या होगा? रात बहुत हो गई, आप भी सो जाइए, मैं चलता हूं। मानसी, इसकी आंखें, नाक, होंठ सब तुम पे गए, बिल्कुल तुम जैसी है छोटी मानसी। बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। अब घर खुशियों से, समृद्धि से भर जाएगा। थैंक यू आजी, आज इस खुशी के मौके पर हम सब साथ हैं। बस ताई नहीं है, अगर आज ताई यहां होती ना तो बहुत खुश होती। पर पता नहीं वो कहां है। वो जहां भी होगी ना मनु, बहुत खुश होगी। आई, मुझे एक आइडिया आ रहा है। आई बाबा, कल आपकी एनिवर्सरी भी है और मानसी की बेटी हुई है, क्यों ना हम लोग एक पार्टी रखें? सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। तेजू, और आई, तू ही तो हमेशा कहती है खुशियां हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। और अब तो हमारे पास दो दो मौके हैं, एक तेरी एनिवर्सरी और ये नन्ही परी, इसका भी तो स्वागत करना है ना। ठीक है आजी। जीजू, परी कैसी है उस हादसे के बाद? अभी कोशिश कर रही है बाहर आने की, सदमे से थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संभल जाएगी। ये तो होना ही था, उन्होंने हमारी ताई से उसके बच्चे का बाप छीन लिया। पापा ने उनसे उनका बच्चा ही छीन लिया। प्रशांत, मनु, कल तक तेरा रिचार्ज हो जाएगा, फिर हम शाम को सब मिलके सेलिब्रेशन करेंगे। अपना ख्याल रखना और इस नन्ही सी जान का भी। मैं चलती हूँ, चले मानो। अर्चना, कौन कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरती कम हो जाती है? तुम तो दिन ब दिन और भी सुंदर लग रही हो। वैसे आप भी कम हैंडसम नहीं लगते ना माना, मतलब
मुझे पता चला है कि ऑफिस में आपके आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां घूमती है, मुझे जलन होती है। अरे अर्चना, लेकिन कोई भी रुकती नहीं है, साइन नीति चली जाती है। कुछ भी। वैसे आप अब तक टाई बांधना नहीं सीखे ना? कैसी टाई बांधते? जानबूझकर नहीं सीखा, इसी बहाने रोज तो मेरे इतने करीब जो आ जाती है। अच्छा, अर्चना तुम्हारा मेरे पास होना उतना ही जरूरी है जितना कि मेरा सांस लेना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस भी। ऐसी बातें नहीं करते माना, आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं जिंदगी भर अपने मानव के साथ रहना चाहती। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो ना, कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे तुम्हें याद है ये चाय बांधने की शुरुआत कब हुई थी? कुछ पल ऐसे होते हैं मानव जो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते, और मैं इन पलों को भुलाना नहीं चाहती। ऐसे ही कुछ पल आज मैं तुम्हें तोहफे में देने वाला हूं। आओ। ये बात। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। कैसे तुम? कैसे है? ठीक है ना? बहुत प्यारी है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और परी, वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर आई एम रियली सॉरी। मानसी, तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी वजह से उसे कहीं दूर जाना पड़ा, मैंने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। पता नहीं किसकी हाय लग गई मुझे, तुम्हारी बहन की या तुम्हारी। अरे आओ एक मिनट, कुछ काम है। आ जाओ। आओ आओ। परी प्लीज, अब ये सब बातें सोचना बंद करो, अपना दिमाग कहीं और लगाओ, कुछ और सोचो। फॉर एग्जाम्पल, तुम इन्वेस्टर्स देख रही हो, मैंने बताया था ना तुमको उनके बारे में। अगर मानव उनसे बात करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें नरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करने को, तो हमें कितने का फायदा होगा? करोड़ों। ठीक है, मैं आजूबा से बात करती हूँ। एक मिनट,
आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये मेरे लिए डबल खुशियां लेकर आया है। आज मेरी और अर्चना की वेडिंग एनिवर्सरी है और साथ ही एक नन्हे से मेहमान के आने का सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो हम शशांक और मानसी को ढेर सारी बधाइयां देते हैं और बप्पा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन्हें इतनी प्यारी सी बच्ची दी है। और मैं अर्चना का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि 42 सालों से इसने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अर्चना नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। आज मैं इसे एक तोहफा देना चाहता हूं।